आप सबको गुड मॉर्निंग जन्नत जहां में। जन्नत अली खान आप सबको खुशामदीद कहती है। जन्नत जहां में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दुआ करती हूँ कि आप सब इसी तरह मेरे साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। जन्नत अली खान की तरफ से खुशामदीद। आज जो लोग शाम में नसीम को देखने आ रहे हैं ना, अगर वो हाँ कर दे तो मैं जाके एक देख जरूर चढ़ाऊंगी। मुझे तो लगता है किसी ने बंदिश कराई है मेरी नसीम पे, वरना बड़ी की दफा तो उसे रिश्ते पे ही बात पक्की हो गई थी। हेलो। हाँ पहुंचे? अरे अभी कहाँ, एक घंटे का रास्ता आधे घंटे में कैसे पहुँचता? शोर शुरू हो गए ना तो तुम अंदर नहीं आने देंगे। हाँ तो फिक्र ना करो, दोस्त था मेरा, सारा बंदोबस्त किया उसने। ठहर जो जरा, तू कहाँ भागी चली जा रही तबस्सुम? अम्मी तेज चले, मैं ठहर नहीं सकती, मुझे घर पहुंचना है। बात तो सुन मेरी, ओ तबस्सुम। पिछले 8 सालों से मेरा और आपका रोज का साथ है। मैं दुनिया में कहीं भी हूँ, ऐसे हो नहीं सकता कि आप लोग मेरे साथ ना हो। क्या आफत आ गई है बेटो, हैं? आराम से थोड़ा सबर कर, हौसला कर ले। मैंने कुछ मिस तो नहीं किया जनत? जनत जी ने क्या किया? कुछ नहीं किया, अभी तो आकर खड़ी हुई है, देखना अभी ब्रेक आ जाएगा। चले अब जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पर। मैं जानती हूँ कि आप कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि आज है मेरी सालगिरह, और मेरी सालगिरह पे मुझे छोड़ के आप कहाँ जाएंगे? तो यूँ जाते हैं और यूँ आते हैं वापस जन्नत जहाँ में, आपकी अपनी जन्नत अली खान के पास। अल्लाह अल्लाह का शुक्र है कुछ मिस नहीं हुआ, अगर हो जाता ना नम्मू खुद को माफ नहीं कर पाती मैं। वो 10 मिनट का शो की झलकी आती है, उसके बाद तो 70 मिनट का ब्रेक आता है। हाँ तो जन्नत जी है इतनी पॉपुलर है तो सुन। हाँ अम्मा को कहाँ छोड़ के आई तू? भाई कसम से अम्मा को तो मैं भूल गई, गली से भाग के आई हूँ मैं खुद। लगेगा पता, बताएंगी। शो पे कॉल करती हूँ। लो आ गई। ठहर जा तू तबस्सुम, माँ को गली में छोड़ आई जन्नत अली के लिए। तू क्या यहाँ बैठी हुई है? चल उठ, मुझे पानी पिला। अभी? अच्छा। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, ये जन्नत है जहाँ है? कॉल ड्रॉप हो गई। बहुत अच्छा हुआ। अम्मी तुम फिक्र मत करो, 500 का बैलेंस डलवाया है, बार बार कॉल करूंगी। बहुत ठीक। अख्तर भाई हैं? शो लाइव चल रहा है, अंदर अलाउ नहीं है जाना। अच्छा, मैंने तो आज मुझे बुलाया था कि मैं जन्नत जी के लिए लाया हूँ। सर जन्नत मैडम के लिए कुछ लाए हैं। चले हैं आप? सर इधर से आएंगे। आप इनसे मिल लें। वालेकुम अस्सलाम। ये भी यहीं रख दीजिए। वो मैं मैडम को खुद पेश करना चाहता था। मैडम को? नहीं, मैडम किसी से नहीं मिलती। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। आपने उन्हें देने हैं ना तो यहाँ रख दीजिए, वरना जाइए। अच्छा कहाँ जा रहे हैं? अंदर लाइव शो हो रहा है। वो मैडम की आवाज थी। तो आज की हमारी पहली कॉल है फैसलाबाद से। हाँ जी कैसे हैं आप, कैसे दिन जा रहा है? ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह
आधी रात से जो कॉल का सिलसिला शुरू हुआ, शो के शुरू होने से पहले तक बस फोन को ही चिपकी रही। और जब फूल और तोहफे आए, वो मिलके मैं कैमरामैन को कहूंगी आप सबको दिखाएंगे। मुमो देख, दिखा दिखा मेरा गिफ्ट। नहीं दिखा। आपके इतने सारे प्यार का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया, एंड आई लव यू गाइस टू। अब चलते हैं लाइव कॉल्स की तरफ। मैं जानती थी कि आज सिर्फ मुबारकबादें ही चलेंगी, तो मैंने किसी गेस्ट को नहीं बुलाया। कोई कबाब में हड्डी नहीं, सिर्फ आप और मैं। चले जी, चलते हैं पहली लाइव कॉल पे। तुम मन्नत मान के आई हूँ, फिर भी नहीं लग रहा। तो कम से कम लाख बंदा ऐसा फोन कर रहा होगा, कहाँ से लेगा तेरा फोन? ऊपर से फोन भी अच्छा नहीं है और सर्विस भी एकदम खराब है। कुछ नहीं, तुम मेरा SMS ही चला दे स्क्रीन पे। हाँ मैं देख रही हूँ, पट्टी चल तो रही है, अभी तक तो नहीं आया। हाँ दिलीप, किसकी सरप्राइज कॉल? शो की पहली कॉल सरप्राइज कॉल है। ये किसकी है? हेलो हेलो। ओह माय गॉड, नमन, हैप्पी बर्थडे टू माय लविंग वाइफ। थैंक यू नमन, तुम्हारी तो कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना? हाँ लेकिन तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी, अभी मीटिंग से बाहर निकल कर ही तुम्हें कॉल कर। नमन मेरी तरफ से। थैंक यू नमन। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन एंड कीप रॉकिंग शाइनिंग एंड स्माइलिंग जस्ट लाइक दिस। आई लव यू माय वाइफ। आई लव यू टू। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ। यू आर द बेस्ट पार्टनर आई कुड एवर हैव। यू आर द बेस्ट। थैंक यू। मेरा ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई है। कॉल क्यों कर दी नुमान भाई की? अब देखना जन्नत कितनी नाराज होंगी। दोबारा डायल करो, कनेक्ट करो फौरन। थैंक यू सो मच माय डार्लिंग हस्बैंड, यू हैव मेड दिस सो स्पेशल फॉर मी लाइक ऑलवेज। मेरे पास अल्फाज नहीं है, तो हम इसीलिए एक ब्रेक पे जाएंगे और मैं जल्दी से देखता हूं कि नुमान ने केक के साथ क्या क्या भेजा है। हेलो, ये लाइट कैसे चली गई इस वक्त? अम्मा ने कहा था कबाबों को मसाला पीस देना। भाई मैं खाला की तरफ जा रही हूँ। अरे कुछ होश कर, इस वक्त टीवी देखने के लिए खाला के पास जाएगी। मम्मी फारूक लेके जा रहा है, वो रस्ते में। लोग देखने आ रहे नसीम को और तुझे टीवी की पड़ी हुई है। रात को देख लेना, इस वक्त नहीं देखेगी तो कुछ नहीं होगा। वाह, और नसीम तू तो बावर्ची खाने में जा, पड़ी हुई है उधर।